शादी के बाद मुझे झुमरी तलैया ले जाओगे? एक तो थाली का इतना बड़ा लड्डू दिला रहा हूँ, ऊपर से तुझे झुमरी तलैया जाना है? झुमरी तलैया नहीं ले जाओगे तो शादी कैंसिल। अच्छा मेरा पैसा बच जाएगा। मंगरू मेरी इतनी सी बात नहीं मानोगे? ना चलो पहले तिस्सी दो। मेरी पेन देखा देता सा लगता है। पेन तेरे बाप ने दी? सर पे क्यों भिन भिना रहे हो? पहले बता पेन कितनी है? गोटेक्स कंपनी का है, गोटी खेल रहा था उसमें जीता। तू भी खेलेगा क्या? अबे मेरी पेन है, थाली में आया था। अरे एक मामूली पेन के लिए फ्रेंडशिप पर बैन लगा रहा है? तेरे साथ गरबा नहीं खेलूंगा। चक्कल मेरे को घन चक्कल। तू तेरी दुम तभी थी नहीं होती। अरे बस नहीं मिल गया, कचरे का ट्रक लेकर आ गया। क्या करूं, जो मिला वो लेकर आ गया। वैसे तूने अभी अभी लाइसेंस बनवाया है ना? यस। अरे तू स्टीयरिंग पकड़ के लेफ्ट राइट करना शुरू कर, मैं अंदर जाके सवारी को संभालता हूँ। ये क्या, तुमने तो कहा था कि एक आदमी है, ये तो पूरा गांव बसा लिया तुमने। समझे नहीं, ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। घर में खाना नहीं बना इसलिए लंगर खाने जा रहे हो? नहीं महाराज, ये ब्लैक एंड व्हाइट जोड़ी देख रहे हैं ना, इनकी शादी कराने जा रहे हैं। क्या बर्बादी! शादी सुन के आपकी पुंगी क्यों बच गई? देखो बेटा, कुत्ते का काटा भौंक भौंक के मरता है, बिच्छू का काटा चीख चीख के मरता है, लेकिन जिसे शादी नाग ने डसा वो इंसान बिन भौंके चीखे तड़पता रहता है। मत कूदो इसमें, मत कूदो। अरे चंपाकली, आज भर के जीले, कल से तो आजादी चली जाएगी। आजादी मेरी नहीं उसकी जाएगी। इसके नखरे उठाते उठाते उसकी हालत पतली होने वाली है। मैं तो रानी बनकर रहूंगी, जब शादी हो जाएगी तो नखरे तो उठा नहीं पड़ेंगे। मैंने थोड़ा देखा, ज्यादा नहीं देखा। देखने में प्रॉब्लम नहीं है, बस जो देखा वो भूल जाना। इसके दर्शन नहीं करने, जिसके दर्शन करने उसके लिए जल्दी। एक महीने बाद नहाया, फुल जड़ी, धक धक, लाल परी, परी लोग से आई हो ना? मैं आपका फैन हूँ। मेरा फैन तो सारा मोहल्ला है। बाय। पूरा का पूरा मोहल्ला। मेरे बाल बना देना। तुझे बाल बनाना नहीं आता? कैसे आएगा, माँ ही बना देती थी। क्या यार, इंटरनेट में देख कर आती हूँ। बाल बाल नहीं बचेगी। तुम्हारे बाल कितने घने और काले हैं, किसी शैम्पू के एड में क्यों नहीं आती हो? कितने रेशमी, मुलायम और खुशबूदार हैं। दिल कर रहा है जू बन के इनमें रेंगता रहूं। रबर बैंड दीजिए ना। ओह मैं तो भूल ही गई। क्या करूं? आइडिया, चोटी पे मेरी छोटी सी भेंट। थैंक यू कृष्णा। ये भाई, ये ले गरम पानी। अरे अरे क्या कर रहे हो, अपने फेफड़े क्यों जला रहे हो? अरे दिल जल रहा है उससे तो अच्छा है ना। ओ, दिल को तवे पे रखा क्यों? शादी नहीं हो रही है तो तुम यहाँ पर रिश्ते ढूंढ रहे हो क्या? यहाँ पर तुम्हारा कोई हाथ नहीं थामने वाली है। जब ऊपर वाला तुम्हारे लिए जोड़ा भेजेगा तभी तुम्हारा गृहस्थी का घोड़ा दौड़ेगा। तब तक सब्र रखो, आती जाती लड़कियों को ताड़ना बंद करो। बोल रहे नाइट घूम फेंक। भिखारी से चुराई हुई चिल्लर चोरी हो गई है, सब रिटर्न टिकट लेकर वापस काम जाने का क्या? अरे भंडारा नहीं होगा। क्यों? किसी क्यों? ने जेब में 2 इंच का छेद करके पैसे चुरा लिए। ए उड़न भरी, मुझे भी उड़ा देगी क्या? आ जा। मजाक कर रहा था, मुझे तो उतारी से डर लगता है। चल हलकट। अरे क्या लड़की छेड़ता है, जेल की 4 दीवारी में चक्की पीसेगा। मजाक में तेरा अब्दुल रजाक बन जाएगा। पुलिस तुझे पकड़ के पैर फैला के मूर्ति की तरह खड़ा कर देगी। क्या करेगी? अरे नीले वो डंडे पे तेल लगा के तेरे करीब आएंगे, कहेंगे मूर्ति राजा आजा, बजाऊं तेरा बैंड बाजा। मार खाने के बाद जब तुम्हें भूख लगेगी डंडे से रंगोली बना के गाली सुनाएंगे, फिर तुम्हारी जिंदगी झंड हो जाएगी। अपने कुत्ते को बुला के उसकी मालिश करवाएंगे, फिर वो काम खत्म होते ही जूते पॉलिश करवाएंगे। अगर जूते जमके नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। जूता पॉलिश करना नहीं आता तो उसी जूते से तुम्हें धोएंगे। न्यू मुंह क्यों फट गया? मेरा बाप भी दूते से ही मालता है। ऐसा लग रहा है इमली की चटनी के बीच में साबूदाना वड़ा है और वड़े पर मीठी मीठी दही। हंसती है तो फूल झड़ते हैं। चोटी नागिन जैसे बलखा रही है। चोटी बनानी नहीं आती। ऐसा लग रहा है जैसे परी आ रही है। इमली बनने वाली है। ये जिसकी हो जाए उसकी लाइफ सेट है। वो लेफ्ट वाली तुझे कानी आंख से देख रही थी। झंडे गाड़ दे, जल्दी जा। जाऊं? जूते पड़े तो? जा जा। अच्छा ठीक है, एक बार आग में के देखता हूँ। भगवान शादी के बाद घर पैसों से भरा रहे। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? कृष्णा। कृष्णा नाम, देश और गोत्र क्या है? इनसे पूछ लीजिए। उनसे क्यों? क्योंकि जिनका कोई नहीं होता उनका यही तो होते। बेटा तुम अनाथ हो।
बेटी तुम्हारा नाम क्या है? राधिका। राधिका नाम, देश और गोत्र? कश्यप। कश्यप गोत्रोत्पन्नो हम। बेटा तुम्हारा नाम? जेम्स पांडियन। जेम्स पांडियन और गोत्र? घर जोड़े। नारायण के माता पिता को बुलाइए आशीर्वाद देने के लिए। पंडित जी वो आ गए तो थाली तो पहले ही तला दो। रसमलाई तुम कौन से ग्रह से आई? धरती लोक से आई हूँ। हम दोनों तो एक ही गांव से, चलो दोनों शादी करके बर्बाद हो जाते हैं। मेरे पति से पूछो। विवाह संपन्न हुआ, आज से ये पति। अरे ऐसे कैसे हो गया पंडित जी, आधे मंत्र तो आप खा गए, आपने बोले ही नहीं। क्या कह रहे हो जजमान, सारे मंत्र पढ़े मैंने। इमारत की लीपापोती तो आपने कर दी, पर बुनियाद पे आपने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। दोनों को कसम खिलाइए तभी बुनियाद मजबूत होगी। जीवन भर साथ निभाना होगा, इच्छाओं का सम्मान करना होगा, हर सुख और दुख में एक दूसरे का साथ देना होगा। छुपाओ मत उसे। अच्छा। ए, पियो मत। वो वॉचमैन पी रहा था तो उसे डांट रहे थे ना? वो उसी लायक था। और तुम? मैं तो अपने आप को नाचीज समझता हूँ। नाचीज नहीं हो तुम, धोखेबाज हो, चीटर हो, बदमाश हो। अच्छा, जब मुझ पर से पर्दा उठ ही चुका है तो इसको क्यों वेस्ट करूं? ना मुझे सिगरेट पसंद है ना उसे पीने वाले, सिगरेट के नाम से ही मुझे चिढ़ाती है। हेलो, ऐसे कुछ भी मत बोलना। ये बहुत अरसे से मेरे अकेलेपन का साथी है, और कोई साथ देना दे पर ये साथ देती है। बंदर कहीं का। अरे बांगड़ू कहाँ जा रहा है, मेरी फीस तो देते जा। अरे देता हूँ ना यार, दाव बताने की लुटेरे पहले याद है बीत मानने। फीस मांग रहे हो किस चीज की? शादी करवाने की फीस। क्या हुआ, बिजली का झटका लगा क्या? जो एक दूसरे से पूरी तरह अलग है, जमीन और आसमान है, उन दोनों को मिला के सर पे सहरा सजवा के शादी की मुंगी बजवा देते हैं। फिर वो दोनों मालगाड़ी बन के फाटक क्रॉस करते रहते हैं, मतलब दो अनजान को सड़क से उठा के मंडप में बिठा के उनकी शादी करवा देते हैं, फिर कमीशन कमाते हैं। अंग्रेजों के जमाने से यही बिजनेस है। बताइए आपके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढूं? आपकी शक्ल देखकर लग रहा है कि आपने मन में मेरे साथ सपने बुन लिए थे, लेकिन मैडम मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। घर में या आस पड़ोस में किसी की शादी करवानी हो तो मुझे जरूर याद कीजिएगा। बाय बाय। डायलॉग अच्छा बोलता है, बस एक्सप्रेशन की कमी है। बीबी इंदु चंदू सिंधू, कम ऑन गेट डाउन। ब्यूटी इंदु, स्वीटी चंदू, ब्यूटी सिंधू, आ जाओ। ओह माय गॉड फॉर द ब्यूटी। बुड्ढी घोड़ी के साथ तीन तीन जल पर यहाँ आई है। हे मोमो चोमो, अपुन प्यार में जुबकी okay. लगाने जा रहा है। ए आओ, आई एम सॉरी। वन सेकंड। स्वच्छता अभियान वाली बाई, ये पहुंचा क्यों? वो क्या है, पैकेट है पर धूल लगी है, ये सेहत के लिए हानिकारक है। ये, ये। सफाई तो अच्छी होती है। बस यही बात है। हाँ, अरे रे रे, हे माँ माफ करना। जय लक्ष्मी, जय लक्ष्मी, जय लक्ष्मी। भक्ति का रिकॉर्ड तोड़ रही है। Wow. कल मुहे। You villain? कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई शक्ति कपूर की तरह मेरी बच्चों को छेड़ने की? तू शक्ति कपूर है तो मैं भी हंटर वाली बिंदु हूँ, मर्दानी हूँ, मर्दानी टू। What? गदक सिम्बा, What टू? गदक टू, सिम्बा टू, टाइगर, एक तो टाइगर, दबंग, दबंग टू, बाहुबली, बाहुबली टू, बाहुबली थ्री, बाहुबली फोर। Forgive us. चाहो तो चप्पल मार लो, पर बीप में गाली मत दो प्लीज। किसी लड़की की तरफ आग भी उठाई ना तो दिशुम की डीवीडी फेंक कर मारूंगी। मैं टोटल फिल्मी हूँ। आज से सारी लड़कियाँ मेरी बहन है। एक ही घर में रब ने तीन जोड़ी नहीं बनाई होगी, कहाँ से मिलेंगे ऐसे रिश्ते? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में जुड़वा तो कई बार देखे हैं, ये तिड़वा कहाँ से लाएंगे? और मान लो तिड़वा मिल भी गए तो वो तीनों इन तीनों से शादी करेंगे, इसकी कोई गारंटी है क्या? ये इश्क नहीं आसान। गायत्री, ऐसा लगता है तुम उस ज्योतिषी की बात भूल गयी। तो क्या करें, उस बेवकूफ ज्योतिष की बातों में आकर अपनी बच्चियों को बैचलर ही रहने दें? मैं इस तरह अपनी लड़कियों की जिंदगी खराब नहीं कर सकती। कल ही शर्मा जी के यहाँ जाकर मैं अपनी इंदु की शादी तय कर दूंगी। गायत्री, पहले भी ज्योतिषी की बात को नजरअंदाज किया था, उसके बाद जो एक्सीडेंट हुआ उसमें मैंने तुम्हारी भाभी को हमेशा के लिए खो दिया।
अब मैं और किसी को नहीं खोना चाहता। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं जी नहीं पाऊंगा। कुंडली के हिसाब से इन तीनों की शादी एक ही घर के तीनों बेटों से होनी चाहिए और ये होकर रहेगी। और अगर ऐसे ही बिना सोचे समझे तुम रिश्ते जोड़ती रहोगी तो इस घर में बेटियों की डोली नहीं, मेरी अर्थी उठेगी। तुम नहीं बदलोगे, बिल्कुल नहीं बदलोगे। ये है मेरी तीन देवियाँ, इन्हें तीन बहुरानियाँ बनाना है, बशर्ते तीनों दूल्हे एक ही परिवार के हों। अच्छा। आप जल्दी से तीन बकरे ढूंढ लो ताकि मैं उन्हें हलाल खुद कर सकूं। अच्छा, उम्र क्या? अभी भी मैं 16 साल की हूँ, बिल्कुल जवान। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के नहीं, आउटपुट की पूछ रहा हूँ। बेबीज का। बड़ी वाली अमिताभ बच्चन के सिलसिला के वक्त पर हुई थी, बीच वाली सबके पे सत्ता के वक्त पर, तीसरी कूली के वक्त पर। आप कब पैदा हुई? जॉन के वक्त पर। तब तो आपका नाम मिसाइल भाई होगा। नहीं, कमीने, आंखें निकाल कर गोटियां खेलूंगी, गोटियां। आंटी जी, इन तीनों की एक ही घर में शादी करवानी है, बहुत खर्चा होगा। जितने पैसे चाहिए दे दूंगी। आपके बस की बात नहीं तो 50,000 ले लो। अरे बहुत महंगाई है। 80,000 भी कम है क्या? 80,000 नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा। तो सारे गहने दे दो। ये सोना असली सोना है, 24 कैरेट। अब तो मेरी बात मान जाओ। फिक्र मत कीजिए आंटी, ऐसे ही सोने जैसे दूल्हे लाऊंगा। ये है घर का बड़ा बेटा अर्जुन नायडू। गांव में इनकी बड़ी इज्जत है, कोई भी छोरी इनसे पूछे बिना तालाब पे जाके नहाती नहीं है। ये है मझला बेटा चंद्र बाबू नायडू, प्यार से सब इन्हें चंदू कहते हैं। गांव में इनसे बड़ा दिलेर और कोई नहीं है। और ये है सबसे छोटा बेटा श्रीकांत नायडू। ना ही ये आस्तिक, ना ही ये नास्तिक, बस ये है फैंटास्टिक। नो नेवर नथिंग। कहां मेरी हूर और कहां ये सब लंगूर? बारात कैसे सजेगी? आपकी उम्र हो गई आंटी, इसलिए आप शायद भूल गई हैं प्यार में कितनी ताकत होती है। अगर इन तिगड़ी ने प्यार की सिगड़ी पर अपने हाथ सेक लिए ना, तो दुनिया का कोई भी एसी इनके प्यार के भड़कते शोलों को ठंडा नहीं कर पाएगा। यस, क्या बात कही है, अब तो आएगी बारात। नहीं है तो मिल गई। आंटी, बेटियों से कहना कि मैं वो अनाथ बच्चा हूँ जिसको अपने अपने से दूर माँ की तरह पाला है। बहनों के लिए जीजा ढूंढेगा क्योंकि उनका छोटा साला है, समझ गई? समझ गई। और उसके बाद? लड़कों का जो गांव है वहाँ पर नवरात्रि बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, वही देखने के लिए हम तीनों को ले जाएंगे और नवरात्रि में उन्हें लव यात्री बना देंगे। पर वहाँ रहने के लिए कोई बसेरा है? उसका भी हल है, होने वाले दूल्हों के घर के सामने उनके पिताजी के दोस्त रहते हैं मुर्गीलाल, और 9 दिन तक उस मुर्गीलाल के घर में उसे बकरा कैसे बनाना है मुझे पता है। और उसके बाद? प्लान बनाया गहरा, डालेंगे वहाँ डेरा और फिर कराएंगे फेरा। तीनों लड़कियों की शादी होते ही हम बुढ़िया के गहने बेच देंगे, फिर मालामाल मालामाल। अरे बस बस बस, रुक जा, डीजल वेस्ट मत कर। यही वो बकरा, मेरा मतलब है कि मुर्गी लाल जी। पता है मेरा नाम मुर्गी लाल? आपकी स्टोरी में फ्लैशबैक के साथ सुना चुका हूँ, इसे नहीं पता, इसे मुझे कुछ भी नहीं पता, बताइए ना, बताइए। पता है मेरा नाम मुर्गी लाल कैसे पड़ा? मेरे पैदा होते ही पूरे ब्रह्मांड की मुर्गियाँ खींची चली आई थी, जानते हो क्यों? बताऊँ? बताऊँ? हाँ? क्या बात है बेटी, देसी मुर्गा देखते ही तुम्हारा दिल ललचा रहा है। ये मुर्गा नहीं कृष्णा है। जानती हूँ, ये नाची अनाथ। अरे बेटी, अनाथ नहीं, ये कईयों का नाथ है। अच्छा? लोगों के रिश्ते करवाता है, ये कईयों के घर बर्बाद कर चुका है कुकड़ों को। ओहो, तो उस दिन सिगरेट के नशे में झूठ बोल रहे थे मुर्गी लाल जी। ये किसके अंडे से निकली है? मैं बताती हूँ, वो जो बड़ा अंडा देख रहे हो उसी में से। अरे जेम्स पांडियन को भूल गया, स्टोरी बाकी है, तुम दोनों बात करते रहो नहीं तो मेरा बकरा भाग जाएगा। पर उस घर में तो तीन लड़के रहते हैं ना? वो मेरे भाई हैं। बताओ यहाँ अचानक कैसे टपके? लैला की तरह शर्माओ मत, बताओ। तुम्हारी चोटी से खुद को बांधने के लिए। चोटी नहीं, नागिन है, ऐसे डंक मारेंगे ना, दिखाओ दिखाओ ना, दिखाओ ना, दिखाओ ना। अब समझा तुम्हारी भाइयों की शादी क्यों नहीं हो रही है, ऐसी खतरनाक ननद देख के सारे रिश्ते उल्टे पैर रफू चक्कर हो जाते हैं। छुओ मत, करंट लगता है। इतना भी मटक लो, मुझ पर कोई ऐसा नहीं होने वाला। और मेरे भाइयों की चिंता ना तुम मत करो, अपने भाइयों के लिए तो एक दिन मैं परियां लेकर आऊंगी, और तुम जैसे को तो मैं यूं संभाल सकती हूँ। मैं तो चाहता हूँ तुम मुझे संभाल लो। तुम यहाँ पर नया बकरा ढूंढने के लिए आए हो ना, पर मेरे रहते चूहा भी नहीं फंसा पाओगे। मेरे गांव में कदम रखते ही परिंदे भी चोंच लड़ाने लग गए, बस अब उन तीनों तोतों के घोंसले में मेरी मैनाएं चली जाएं, फिर उनके घोंसले से चिड़िया को चुरा के ले जाऊंगा।
डीजे शुरू। पता नहीं वो कौन है, गांव में शिवरात्रि की पूजा देखने आई है, मुर्गीलाल के घर ठहरी है। बेटी जरा सुनो, बिना डीजे के क्या तुम्हारा भरतनाट्यम नहीं हो सकता? साहब योगा कर रहे हैं और तुम्हारे डीजे के शोर से उन्हें परेशानी हो रही है। कौन है आपके साहब? अर्जुन नायडू, वो देखो। जय हो तुलसी माँ। अरे अरे, पहली मुलाकात में ही हमसे नाराज हो रही है। मैंने नमस्कार के बदले में नमस्कार ही तो किया। अरे घोचू, वो तुझे नहीं सूर्य देव को नमस्कार कर रही है। अच्छा सूर्य नमस्कार, वह तो मुझे पहले से ही पता था। चंदू, दिल में प्यार जगाने का वक्त हो गया है मेरे बंधु। ये कौन है? बेचारी लड़की एक पिल्ले से डर रही है। लगता है मेरी तरह बहादुर नहीं है। कोई बात नहीं, अपने रहते इसे कुछ नहीं होने दूंगा। आई एम कमिंग। घबराने की क्या बात है, मैं हूं ना। क्या हुआ, एक पिल्ले से इतनी बड़ी लड़की डर रही है? ये खतरनाक है। अरे भाई, इस पिल्ले को अभी दांत नहीं आए हैं। He is just a small dog। पर उस कुत्ते के तो बड़े बड़े दांत है, काट लिया तो। अरे वो औरतों को नहीं काटता, मर्दों को काटता है, मर्द को दर्द नहीं है। आप जाइए, देखिए तो। अरे मैं कह रहा हूँ कि नहीं काटेगा ना। अरे रे 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 रे, कुत्ते के पिल्ले से ऐसे डर रही जैसे शेर देख लिया हो। Just a small dog. अरे मेरी माँ, मेरी माँ, मेरे पीछे क्यों आ रही है? अरे क्या किया मैंने, तू इतनी बड़ी कैसे हो गई? कौन सा प्रोटीन खाया है? अरे आज उपवास है, आज मुझे मत काटना, जाए यहाँ से। अरे काका, कहाँ चल दिए सुबह सुबह? पानी दूध लेकर शहर जा रहे। अरे बस कब की आ गई होगी, जल्दी जाओ। अरे का कहा तो बबुआ, ट्रेन जुड़ गई तो तुम्हारी काकी हमारा बैंड बजा देगी। अरे कुत्ता हमारा पीछे कहाँ छोड़ गया? ये दूध में पानी मिलाने की सजा है। अरे सुनिए, हम किसी से डरते वरते थोड़ी ना है, वो तो बच्चों की माँ है, इसीलिए रिस्पेक्ट कर रहे थे। कुत्ता तो वाह, अरे बाप रे, काटने बाप मेरी माँ। अब इस पे क्यूपिड देव का तीर लग चुका है। तो चलो पार्टी शुरू की जाए। आगे मेरे साथ आगे। लीजिए बाबूजी, जी बाबूजी, ये लीजिए। राधिका बड़ी हो चुकी है, इसके लिए एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढकर शादी करवा देना। बेटी राधिका, अगर तुम्हारे मन में कोई है तो कह सकती हो। मेरे मन में कोई नहीं है पिताजी, आप जिसे भी पसंद करेंगे वही मेरी पसंद होगी। पर मुझे आपसे कुछ कहना था पिताजी। बोलो बेटी। शादी के बाद मैं आप सबके साथ इसी घर में रहना चाहती हूँ, क्योंकि आप सबके बगैर तो मैं कभी नहीं रह सकती पिताजी। अरे राधिका, अरे कैसी बातें कर रही हो? राधिका चुप हो जाओ, तुम जैसे चाहती हो वैसा ही होगा। रो मत, तुम शादी के बाद कहीं नहीं जाओगी। तुम्हें क्या लगता है हम अपनी प्यारी बिटिया को अकेला छोड़ देंगे? हेलो, ये काम बन गया। मैं मसक के लिए ऐसे क्या देख रहे हो?
शादी करवानी हो। कमर वाला बुड्ढा अच्छा रहेगा। हाय हाय, तुम आ जाओ ना, मुझे नहीं चाहिए कोई बुड्ढा। इस चिंगारी को तुम ही बुझा सकते हो। आ जाओ ना, और इंतजार नहीं होता। भूल गए मुझ पे गुलाब फेंका था? मैं आप पे गुलाब क्यों फेंकूंगा? कोई किसी हॉट लड़की पे गुलाब क्यों फेंकता है ये भी नहीं पता। यहाँ पे हॉट कौन है? मैं ही तो हूँ मेरे राजा। और मैं ना कहूँ तो कोई अपने जैसा ढूंढ दे। मेरे जैसा लड़का मिला तो मुझे काला कोबरा नहीं चाहिए। हाय, मुझे तो चाहिए बिल्कुल तेरे जैसा सॉलिड हैंडसम। हाय मेरे राजा। अच्छा, सब इसी का किया था। अरे क्या कर रहा है? रुक। गधे कहीं के? छोड़ूंगा नहीं तुझे। तो प्लान बी शुरू करते हैं। आपकी बेटी म्यूट हो गई है, रिमोट लाकर इसे ऑन कीजिए। समझ में नहीं आ रहा क्या कहना चाह रही है कुकड़ू को? रिमोट की जरूरत नहीं है, जब तक ये परमात्मा की पूजा नहीं कर लेती तब तक सन्नाटा रहता है। सही कहा ना बेटी? अच्छा, पूजा के लिए तुम्हें चूजे चाहिए है? इसे पूजा के लिए कमल का फूल चाहिए। अच्छा, हमारे तालाब में बहुत है, मैं शाम तक। शाम तक भगवान वेट नहीं कर सकते, इन्हें अभी फूल चढ़ाने होंगे। जेम्स, टाइम कितना हुआ? आपके 12 बज गए सर। ओवर एक्सरसाइज हो जाएगा, ठीक से बता। अभी देखता हूँ, मेरी घड़ी तो 6 साल से बंद है। आज के लिए बस, वरना गांव की लड़कियाँ बावली हो जाएंगी। याद आया, उन तीनों छिपकलियों को तू लाया था ना? नहीं नहीं नहीं, रुक 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 रुक। सुन, वो जो लड़की है वो पोपट लाल के घर रुकी है ना? मुर्गी लाल के घर। लड़की बहुत सुंदर है ना? सुंदर? एक नंबर की अकड़ू है, एकदम मलाई की तरह। ये लड़की बिल्कुल भोली है, प्यार की और सेवा की गोली है। ये गोली अगर आपने खा ली ना तो प्रसाद खत्म हो जाएगा। मैं चलता हूँ। पुराना ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, वो भी विदाउट स्पीकर। बेचारी को बेवजह कोस रहा था। अब अगर इसका स्पीकर खराब है तो इसका मतलब माइक भी लूल पड़ा होगा। हे भगवान, बेचारा फटा ढोल है। इसकी आवाज वापस आ जाए उसके लिए कितने नारियल चढ़ाने होंगे? 400। हम इनका घर बसाना चाहते हैं और ये बीन बजा रहे, कुछ ना कहोगी? अरे काकी, क्या गुंगे लोग प्यार नहीं कर सकते? धूप अगरबत्ती सब जला डाला, लेकिन ऊपर वाले ने स्पीकर ही नहीं डाला। बॉल, 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 बॉ
कहाँ जा रहे हो तुम लोग? उस सांप की तो मैं अकेले ही पुंगी बजा दूंगा। अरे जाते जाते लाठी ले लो। लाठी से नहीं, अंगूठे से मारेंगे वो। नहीं नहीं, छोटी उंगली से मारेंगे। आधार कार्ड में इनका नाम नाग राजा है। सारी नागिन है इनकी दीवानी। सांप को डस ले, वो ना मांगे पानी। लोग मुझे इतना बहादुर समझते हैं। हेलो, हाउ आर यू? फिकर नॉट मैडम, मैं हूँ ना यहाँ पर, अभी 9:11 करता हूँ। ए एनाकोंडा की भतीजी, क्या समझती अपने आप को? मैं हुक्म देता हूँ, निकलने पतली गली से वरना। शायद तू जानता नहीं, एक बार सांप ने मुझे भी काटा था और वो मुझे काटने के बाद फौरन मर गया। इसीलिए तेरी भलाई के लिए कहता हूँ कि निकल ले यहाँ से। क्यों इतना गुस्सा करता है भाई? मुझे माफ कर दे, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? देख भाई, मेरी बात सुन, मुझसे दोस्ती कर ले, हम दोनों फायदे में रहेंगे, है ना? देख क्या है ना, मैं तेरे बच्चों को पालूंगा, समझ रहा है ना? हाँ, और उन्हें नहलाऊंगा भी, धुलाऊंगा भी, और उन्हें पिक्चर दिखाने भी ले जाऊंगा। ए खामोश, यहाँ कोई नहीं आएगा, सांप ने मेरे सामने घुटने टेक दिए। अरे क्या कर रहे हैं, इतना गुस्सा मत कीजिए। अरे लड़कियों के सामने ऐसे डायलॉग मारने पड़ते हैं। अरे आप फुफू मत करिए, वरना मेरी पैंट गीली हो जाएगी महाराज। प्लीज चाची चले जाइए यहाँ से, हाथ जोड़ता हूँ। ए बोला था ना मुझसे टक्कर मत लेना, लेकिन तूने बात नहीं सुनी। अभी बताता हूँ, बेल्ट किधर गई मेरी? एक मिनट, बेल्ट से पिटाई होगी अब इसकी। सब खराब क्यों हो रहे हैं? अरे आंखें खोलो सुंदरी, क्या हुआ? मैडम सांप है, नहीं था? नहीं नहीं, सांप ही है। अरे मैडम ये सांप नहीं, मेरी बेल्ट है। अरे मेरा दिल है तो सही। ये फुफकार रहे क्या बस? सांप है सांप। अरे कैसा सांप मैडम, आप भी कमाल करती हैं। अरे भाग गया मुझसे डर के, पहले ही कह रहा था डरने की जरूरत नहीं है। सांप चला गया। अरे वो रहता तो मैं रहता क्या? अरे मतलब डर के भाग गया मुझसे। आप तो बहुत बहादुर हैं, अकेले क्यों पकड़ने गए? किसी को साथ ले जाते ना। सब साथ जाते तो पोल खुल जाती ना, मतलब पब्लिसिटी मुझे जरा भी पसंद नहीं है। आपका नाम क्या है? चंदू। मैंने अपना नाम नहीं पूछा, आपका नाम बताइए ना। मैंने भी आपका नाम नहीं बताया, अपना ही नाम बताया। सेम पिंच, नाम भी एक ही है। नॉटी। बहुत शरारती है, बहादुर भी तो। मैं बहुत डरती हूँ जी, आपकी हिम्मत देख के बहुत अच्छा लगा। पर वो सांप बदला लेने तो नहीं आएगा ना? नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। कहीं आप इच्छाधारी नागिन तो नहीं है ना? डर गए ना, एक्टिंग बहुत अच्छी किया। पकड़ लिया, पकड़ लिया। चलती हूँ जी, बाय बाय। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं। सॉरी मैडम। अरे कुलराज, इस नारी को ज्यादा मत परेशान कर, नहीं तो श्राप दे देगी। खूबसूरत लड़की का श्राप भी आशीर्वाद जैसा होता है। हरी साड़ी वाली बुढ़िया को देख रहा है, ये उसी की 56 छुरी है। यहाँ कांटा फेंक के दूल्हा सेट करने आई है। मतलब अपने गांव के लड़कों को जलाने के लिए उस गांव को छोड़कर इस गांव में शादी करने आई है। क्या बोला तू कमीने मेरे? ए, बहुत जोश चढ़ा है, ठंडा कर दूंगा। तो जानती नहीं मैं कौन हूँ, यहाँ खड़े खड़े गायब कर दूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। चल भाग। क्यों रे, वो लड़की हमारे गांव की मेहमान है, परेशान मत करो, फिर नहीं कहूंगा मैं, चले जाओ यहाँ से। ए झिंगुर, डरा किसे रहा है? तुझे इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? तेरी माशुका लगती है क्या? चुप हो जाओ। औरत को तुम लोगों ने खेल समझ रखा है? स्त्री की रक्षा करना हमारा धर्म है। स्त्री किसी की बहन होती है, किसी की माँ होती है। इतनी सी बात तुझे तेरे माँ बाप ने नहीं समझाई आज तक? ये तेरी गलती नहीं, तेरी परवरिश ऐसी है।
अरे स्त्री का अपमान करने वाले तू क्या जानेगा कि स्त्री तो जीती जागती त्याग की मूरत होती है। 9 महीने एक माँ अपने बच्चे को कोख में रखती है, हर दिन उसका वजन बढ़ता है, लेकिन फिर भी वो माँ खुशी खुशी वो बोझ उठा लेती है। जिस तरह लोग अपने सर के बोझ को उतार कर नीचे रख देते हैं, अगर माँ भी थक कर ऐसा ही सोचती तो ना आज तू होता न मैं। तू क्या समझेगा, जा यहाँ से। रुक, जाता कहाँ है? क्या हुआ, धोती गीली हो गई क्या? बच्चे के बोलते बंद हो गई। क्या हुआ, डर गया? एक पीस में आया था, लेकिन अब तू यहां से जाएगा 2 पीस में। अगर माँ का दूध पिया है तो आ। आप हमारे गांव के मेहमान हैं, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक कह दीजिएगा। भाई अर्जुन नायडू ने आपके भाई को धो डाला। अरे छोटे 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 छोटे, मेरे भाई को किसने मारा? लोगों की ऐसी धुलाई किसने की? उस नायडू ने मारा, उस कमीने की इतनी हिम्मत। उसने तुझे मारा? ए, निकालो तलवारे, बहा दो खून की नदियां। चलो 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 जल्दी, चले चलो चलो। कहाँ जा रहे हो? बहना आज मत रोको। आवाज नीची, चुपचाप अंदर जाओ। जानता हूँ आप ऐसा क्यों कर रही हैं, क्योंकि उस बलराम से आप अभी भी प्यार करती हैं। सही कहा, तुम्हारे इस प्यार ने हमें नामर्द बना दिया है, ऐसा लगता है हाथों में चूड़ियाँ हैं। चुप कर। सही तो कहा इसने, क्या गलत बात है इसमें? तुमने कृष्णा नायडू के पिता से प्यार नहीं किया, सिर्फ तुम्हारे प्यार की वजह से पिताजी ने दुश्मनी भुला दी और तुम्हारा रिश्ता लेकर गए थे वहाँ। पहले तो हाँ कर दी उन्होंने शादी के लिए, और शादी का दिन नजदीक आने पर उन्होंने बताया वो किसी और से प्यार करते हैं। रिश्ता टूट गया और इसी सदमे से हमारे पिताजी की जान चली गई। उसके बाद तुमने भी कहाँ शादी की, अपनी जिंदगी को वीरान बनाकर आज तक उस तकलीफ का बोझ ढो रही हो। इस कटार की कसम, या तो उसका क्या जरूरत थी उन्हें छेड़ने की, सब भूल गए? तो क्या हुआ, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो शांत रहना चाहिए और सही वक्त पर मौके पे चौका मारना चाहिए। एक असली मर्द होने के नाते अर्जुन ने बिल्कुल सही काम किया है। इस वक्त गांव वाले अर्जुन की जय जयकार कर रहे होंगे, उसने एक अबला औरत की लाज जो बचाई है। तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? जख्मों को सबके सामने नहीं कुरेदना चाहिए, वरना वो नासूर बन जाते हैं, वक्त आने पर सबको पता चल जाएगा। अब कोई वहां नहीं जाएगा। ओ, भूल गई। भक्तजनों के लिए एक आवश्यक सूचना, सूर्य ग्रहण शुरू होने वाला है। जब तक सूर्य ग्रहण समाप्त नहीं हो जाता तब तक मंदिर के दरवाजे बंद रहेंगे। सब चले गए। क्या हुआ, सीटी क्यों मार रहे हो? समझदार नहीं हो जो इशारा नहीं समझ रही।
देखो जहाँ हो वहीं खड़े रहना, मेरे पास आने की कोशिश मत करना। कृष्णा देखो अंधेरे का फायदा उठाने की कोशिश मत करना, वरना मेरे भाई तुम्हारी ऐसी हालत करेंगे कि कभी उजाला नहीं देख पाओगे। और मुझे भी ना जुजु पराठे, मेरा मतलब है कि कराटे आते हैं। हाँ हड्डी पसली एक कर दूंगी, मार मार के तुम्हारी चटनी बना दूंगी, समझ लेना। हाँ, हाँ। ओहो ये मैंने क्या बक दिया। क्या हुआ, अंधेरे में हवा टाइट हो गई? ए जबान जबान संभाल के बात करो। अपनी जबान तो संभाल लूंगा पर अपने दिल को कैसे संभालूं? बड़ी फुर्सत में बनाया है ऊपर वाले ने तुम्हें बाकियों को डिस्टर्ब करने के लिए। लुच्ची ए, तुम्हारी कविता मुझे समझ में नहीं आ रही है। बड़ी भोली हो, फिर तुम्हें देखकर मेरा दिल धड़कता क्यों है? हा? सुनो धकाधक धकाधक। क्या तुम आंखों की भाषा समझती हो? तुम्हें आती है क्या? हाँ पंछियों की भी। अच्छा तो वो क्या बातें कर रहे हैं बताओ। कह रहे पहचान तो हो चुकी है, अब रिश्ते को और गहरा करना चाहिए, उसके लिए थोड़ा करीब आया करो। जैसे कि वो दोनों देखो उनके बहाने से तुम मेरे करीब आने की कोशिश मत करो। कोशिश करना इंसान का सबसे बड़ा फर्ज है। अगर मैंने कोशिश करनी बंद कर दी और हो सकता है कोई और भांजी मार जाए, इसलिए दिल में जो हो बोल देना चाहिए। आंखें मत दिखाओ, जबान चलाओ। I love you. हवा में उड़ने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी हिचकियां बंद हो जाए इसलिए ऐसा कहा था। लोग कहते एक माली को हिचकियां आ रही थी, वो रुकी नहीं इसलिए वो चल बसा। कहीं तुम उस माली के पास न पहुंच जाओ इसलिए बंडल मार दिया। संभालो अपने आप को। I love you. मुझे शर्म आ रही है, मुझे पता ही नहीं था कि मेल कार में फीमेल इंजन है। बहुत बड़ा ही झोले सच में। अरे पागल तुझे आई लव यू क्यों बोल रहा है? कौन है सौतन? राधिका का दिल में अकाउंट खुल गया है। प्यार का वायरस राधिका से आया है, पर वो तो तुझसे प्यार नहीं करती ना, उसने तो तुझे मंदिर से धक्के मार के बाहर निकाला था ना। उसने ना कहा तो क्या हुआ? मेरे मन में तो उसके लिए हमेशा हाँ ही रहता है। मतलब उसके मजाक को तूने सीरियसली अपने दिल पे ले लिया। क्या बात, तो जाकर नारियल फोड़ डालना। जब वो खुद पहले मेरे पास आई थी तो मैंने उसे हकाल दिया था। अब पुरानी बातों पे मिट्टी डाल के नई बात शुरू करने में वक्त लगेगा ना। एक ही तरीका, उन भाइयों की शादी करवा देते हैं, तुझे तेरी अर्धांगिनी मिल जाएगी और मुझे खुशहट बुढ़िया के कहने, फिर मैं छेद वाली थाली में खाना खाता रहूंगा। लगता है ऊपर वाले ने म्यूट करके भेजा है। अच्छा मौका है, इन्हें उल्लू बना डाला तो लाइव झिंगा लाला। साहब कद्दू काटो सब में बांटो, एक है अंधा तो दूसरा है कोढ़ी, भगवान ने बनाई है मस्त जोड़ी। एटीएम चेक पैसा जो भी है इसमें डाल दो, बस मुझे माल दो, मुझे हराम का खाने की आदत है साहब। अल्लाह सोखो। अबे शायद तू नहीं जानता है कि एक भिखारी 100 पे भारी होता है। पहले इज्जत से मांगा, अब तेरी इज्जत निकालता हूँ। बहन भीख दे रही है तो बहन के भाई को मना नहीं करना चाहिए। अबे तेरे बाप की टांग, भाई किसको बोला बे? जीजा बोल, एक एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। चल भिखारी कहीं का। भाग कमीने, दो चाहने वालों के बीच में टांग अड़ाता है, कीड़े पड़ेंगे उसमें। अरे ये डायलॉग मैं पहले ही बोल चुकी हूं। अरे चुप करो, आप जानती नहीं है। मैं जानती हूं। अजी कद्दू जानती है। बोला ना मैं जानती हूं। अरे आप भूल सकती हैं? मतलब स्पीकर ठीक ठाक है आपका? हाँ बिल्कुल ठीक ठाक है, मुझे लगा आप फटे ढोल हैं। मैं भी ना पागल। लो कर लो बात, माइक भी ठीक स्पीकर भी ठीक, हम टीवी ही ऑन नहीं किए। सॉरी वो खुशी खुशी में ब्रेक ही नहीं लगा पाए। वैसे आपको ये जान के खुशी नहीं हुई कि मैं भी बोल सकता हूँ? हुई थी। तो फिर आप ब्रेक क्यों लगा रही हैं? चलने दीजिएगा। सॉरी ये अपने आप ही यहाँ आ गया। हाँ याद आया, मुझे लगता है ये आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। आजा बेटी। वैसे फूल यहाँ से ज्यादा आपके बालों में अच्छा लगेगा। तुमने कहा है तो लगा लेती हूँ। जाने 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 ज
एक बात बताओ कृष्णा, हम शेर कहाँ से लाएंगे? मैं अच्छा शायर हूँ, एक आध शेर यहीं से भेज दूंगा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं जी? मैं यहाँ पर पेड़ की सफाई कर रहा था, काफी दिन हो गए, जरा धूल जम गई है इसीलिए। वैसे आप यहाँ कैसे पधारी अचानक मेरे पीछे? शेर है जी। कहाँ है शेर? टाइम आ गया, आइए शेर से मुलाकात करवाता हूँ। नहीं, नहीं, मुझे खा जाएगा जी। अरे आप रूप की रानी और मैं शेरों का राजा, आइए बजाते हैं उस शेर का बाजा। जब आई एम हियर डोंट बी फियर। आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है। थैंक यू। आपको अंग्रेजी आती है? फिल्में देखती हूँ ना, इसलिए थोड़ी थोड़ी आती है। मेरी अंग्रेजी तो अंग्रेजों को पढ़ने में नहीं पड़ती जी। फिर भी न जाने क्यों वो लोग मुझसे ट्यूशन लेना चाहते हैं। तो इसी बात पे इंग्लिश में कुछ हो जाए प्लीज। आई एम बहुत ब्रेव, ताकि तुम्हें शेर से बचा सकूं। आई एम योर बॉडी का गार्ड, ताकि तुम ऑलवेज इसी तरह स्माइलिंग लाइक ए खूबसूरत फ्लावर। कौन सी फिल्म का गाना है ये? प्यार का तराना है, छूने का बहाना है। बकवास ही नहीं, सॉन्ग भी गाना आता है। अच्छा? मुझे हाँ तो मैडम जी, आप बताइए कैसी लगी मेरी पोएट्री? देखिए रोज सुबह आपके सामने हाथ जोड़ के आपको हवाई जहाज की सैर करवाऊंगा मैं। When you smile, you are very beautiful, मैडम। क्या हुआ जी? आपने पुकारा क्या? रुकने के लिए कहा। अच्छा अच्छा, सुनिए मुझे एक छोटा सा डाउट है। क्या डाउट है? ये सांप बदला लेते हैं क्या? पता नहीं, वो तो फिल्मों में देखा है। फिल्मों में तो नमक मसाले का तड़का लगाते हैं। कल जो सांप मिला था ना, वो मेरा दोस्त निकला। बचपन में उसको दूध पिलाता था और अब वो मेरा खून चूस रहा है। अच्छा जी, मैं चलता हूँ। तोड़ दूंगा, फाड़ दूंगा, चीर दूंगा, कोई मेरे नाद में ना लगे। अब मेरी बारी। तुम्हारी नाद को मैं नाड़ा बना। क्या है? फिर भूल गया, बोला था इसको मत लो। रुको, ये क्या है? ऐसे एक्टिंग की जाती है? महाभारत के बारे में ये सब जानते हैं और तुम भी जानते हो। भाषा स्पष्ट होनी चाहिए और शरीर गंभीर होना चाहिए और हाव भाव में वीरता छलकनी चाहिए। शब्द जुबान से नहीं, छाती से निकलने चाहिए, ताकि यहाँ आकर देखने वाले को महाभारत के एक एक क्षण का अनुभव हो और उनके रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए। दे मुझे अब देख। ए दुष्ट अहंकारी दुर्योधन, तेरे पापों का घड़ा अब भर चुका है, तू उसका दंड भुगतने के लिए तैयार हो जा। इस रणभूमि में मैं तुझे ललकारता हूँ, अगर साहस है तो आ मेरा सामना कर। इस गदा से इतना मारूंगा, तेरे रक्त से ये रणभूमि रक्त रंजित हो जाएगी। आज तेरा वध मेरे हाथों निश्चित है। ये स्त्री के अपमान का प्रायश्चित होगा। बाबा कमाल कर दिया, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया। नाराज क्यों होते हो? ये क्या है? ऐसे एक्टिंग की जाती है? महाभारत के बारे में ये सब जानते हैं और तुम भी जानते हो। लेडी डॉन लग रही है। भाषा स्पष्ट होनी चाहिए और शरीर गंभीर होना चाहिए और हर भाव में वीरता छलकनी चाहिए। शब्द आपके जिह्वा से नहीं, सीधे हृदय से निकलने चाहिए, ताकि यहाँ आकर देखने वालों को महाभारत के एक एक क्षण का अनुभव हो और उनके रोंगटे खड़े हो जाएं। हे दुष्ट अहंकारी दुर्योधन। Ah!
अर्जुन के दिल में गिटार बजी होगी कि नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अरे आंटी मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। उनके दिल में बजी गिटार को मैंने सुन लिया है। ट्रैफिक पुलिस के माफिक चार सिग्नल दिए और चले गए। चार सिग्नल? पहला सिग्नल, रास्ता क्लियर है और ना ही कोई फियर है, यानी उनके फेफड़े में से शेर बाहर आकर दहाड़ने लगा। दूसरा सिग्नल, पहले स्टाइल और फिर प्यार भरी अंगड़ाई में डाई मारना चाहते थे। तीसरा सिग्नल, अपनी मूंछों को दाव दिया और लंबी जुल्फों वाली सुंदरी को पाव की लुभाव दिया। और चौथा और आखिरी सिग्नल, कार में बैठकर अगड़म बगड़म हो गए। अच्छा हुआ वो दिन था, अगर रात होती तो मम्मी। मालिक अर्जुन नायडू आ रहा है और आप तो जानते ही है वो कितना बड़ा संकी है। मेरी मानिए गाड़ी साइड में लगा लीजिए वरना आपका राम नाम सत्य कर देगा वो। मैं रास्ते से हट जाऊं उसका बाप भी नहीं हटा सकता। जिसमें हिम्मत नहीं वो मर्द ही क्या। मौत से ही अर्जुन नहीं डरता, मौत मुझसे डरकर भाग जाती है। गीदड़ों की फौज लेकर घूमने वाले को मर्द नहीं कहते, समझे? छे क्या जरूरत थी गाड़ी साइड में लगाने की, हो गया ना आप दोनों के इज्जत का कचरा। आपने मुझ पर भरोसा करके बिटिया की शादी की जिम्मेदारी मुझे दी है, उसे ध्यान में रखकर मैं एक अच्छा रिश्ता लाया हूँ। पहले आप लड़के की फोटो तो देखिए। पंडित जी लड़का क्या करता है? लड़का अमेरिका में इंजीनियर है। अरे वाह, और क्या चाहिए, लड़का दिखने में भी बहुत अच्छा है, मेरी तरफ से तो हाँ है। पंडित जी कुकड़ों को किस गांव के हैं? वो इसी गांव के हैं, जगदम्बा जी के भाई के बेटे हैं। आप जानते हैं ना हमारे खानदान की उनसे कितनी गहरी दुश्मनी है, फिर भी आप ये रिश्ता लेकर आए हैं। अब वो पहले जैसे नहीं रहे, पूरी तरह से बदल गए। कान खोल के सुन लो पंडित, उस कपटी औरत के भतीजे के साथ हम रिश्ता नहीं कर सकते। इस पुरानी दुश्मनी के घाव अभी तक ताजा है, इसलिए इस रिश्ते के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। वो चाहती हैं कि राधिका और राज का विवाह करा के दोनों परिवारों के बीच की खाई को पाट दिया जाए। दिस इज इम्पॉसिबल, जरूर इसमें उन लोगों की कोई ना कोई चाल है। वो लोग जगदम्बा जी की शादी पिताजी से करवाना चाहते थे पर दादाजी ने मना कर दिया और उसी बात की वजह से उन लोगों ने दुश्मनी ठान ली और अब रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। उन लोगों की वजह से हमारा बचपन बर्बाद हो गया, हमने जो तकलीफें सही उसमें हम लोगों का क्या कसूर था, और उस सब की वजह से ही हमारे दादाजी समय से पहले ही चल बसे। लेकिन बलराम बस आप माफ कीजिए और जाइए यहाँ से, ये पकड़िए दरवाजा उधर है। अरे गौरी, सीता, गीता, सुनीता, जल्दी आ जाओ। इतना गला फाड़ रही हो, आखिर बात क्या है? अरे भूल गए, कल होली है। हाँ, तो हर साल की तरह औरतों और मर्दों में ये मुकाबला होगा कि कौन किसको सबसे ज्यादा रंग लगाता है, उसी की तैयारी करनी है। इस साल औरतें नहीं जीतेंगी। हाँ हाँ देख लेंगे। Thank you.
विजेता तुम ही होती हो ना। जरूर राधिका ही जीती होगी। सच मत कहना। मैं जीत गई। शाबाश मेरी बच्ची। अरे वाह। I love you कहूंगी। गाड़ी किधर को चली? राधिका ने मिलने के लिए बुलाया है तो उसी की तैयारी कर रहा हूँ। भगवान, एक बार तो लात खाई, अब लात टपकाते हुए जा रहा है। तेरी एंट्री कैसे पास हो गई? कल मैंने जानबूझ के हार के उसे जिताया और उसकी नजरों में जगह बना ली। मैं उसके दिल में एंट्री मार चुका हूँ। मैंने ही इसे बुलाया है, अगर बात नहीं करूंगी तो चला जाएगा। कृष्णा। आया तो बड़े जोश में था, अब उसके पास जाने की हिम्मत नहीं हो रही है, पर जाना तो पड़ेगा। आया। पहले चिकनी चुपड़ी बातें करूंगी, उसके बाद पॉइंट पे आऊंगी। तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है? यहाँ पे कलर कलर विच कलर खेलने के लिए बुलाया क्या? कंट्रोल कृष्णा कंट्रोल, गुस्सा नहीं, प्यार से बात कर। पर मुझे तो कोई कलर पसंद ही नहीं, सफेद बोल देता हूँ। सफेद। मुझे भी वही पसंद है। इसे कफन का कलर पसंद है। वैसे कहना तो नहीं चाहती, पर जब तुम धुआं उड़ाते हो बहुत अच्छे लगते हो, पर अगर प्रदूषण नहीं फैलाओगे तब भी अच्छे लगोगे। थैंक यू, थैंक यू। मुझे भी इसकी तारीफ करनी चाहिए वरना बुरा मान जाएगी। तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हैं, कभी कभी लगता है कि बाल की दुकान खोल दूं बहुत कमाई होगी। क्या? जोकिंग, मजाक। उल्लू कहीं का, थोड़ी सी तारीफ क्या कर दी, ये तो गरबा खेलने लग गया। खाना अच्छे से खाया ना? नहीं, चबा के नहीं खाया। ये फालतू सवाल पूछने के लिए बुलाया क्या? नहीं, मेन सवाल ये नहीं है। तो फिर किस लिए बुलाया? खुद ही अंदाजा लगाओ क्यों बुलाया है। मुझे जाल में फंसाना चाहती है, मैं भी मामूली केकड़ा नहीं हूँ। वो क्या है कि आज घर पे पानी नहीं आया था तो मैं लोटा लेकर नदी किनारे आ गया। अब तुम्हारे सामने कैसे ना हो तो प्लीज घूम जाओ ना, घूमो ना, टर्न प्लीज। यूं कि मुझे भंकस करने की आदत तो है नहीं। भंकस करने वालों को मैं भी मुंह नहीं लगाता, काम की बात करो ना। मेरे बोलने के बाद अगर तुम बदल गए तो? देखो, बदलाव तो कुदरत का नियम है और मैं कुदरत का एक हिस्सा हूँ। बताना तो बताओ, नहीं तो जा रहा हूँ। इसे तो कुछ पड़ी ही नहीं है, मुंह फेर के सिगरेट पी रहा है, कुछ ज्यादा ही भाव खा रहा है। इसे आज तो बिल्कुल नहीं बताऊंगी। मुझे तंग करने चली थी, खुद परेशान हो रही है। अरे कुछ कहना चाहती तो कहो, नहीं तो आगे बढ़ो। भिखारी का डायलॉग मुझे चिपका रहे, आगे जाओ। आज तो इसे अपने दिल की बात बिल्कुल भी नहीं कहूंगी। कृष्णा, तुमने ही कहा था ना कि हम हमेशा झगड़ते रहते हैं, हमें मिलकर रहना चाहिए। तो क्यों ना हम दोनों दुश्मनी भूल जाएं और फ्रेंडशिप कर लें, क्या कहते हो? चालाक लोमड़ी है, इतनी जल्दी मुझे फ्रेंड जोन कर दिया, ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं भी यही कह रहा था, मेरी भी यही इच्छा है, मैं बनूंगा तुम्हारा 4M फ्रेंड। ओके फ्रेंड, चलती हूँ, कल मिलते हैं। हाँ, तब तक के लिए बाय। इतना गरबा खेलता है। झकास, सुपर हिट, तो प्यार की दाल गल गई ना? बिल्कुल भी नहीं।
मेरे मुंह पे दोस्ती का स्टैंप मार के चली गई। पोस्टमैन बन जा, प्यार तुझसे नहीं होगा। तूने जिस लड़की को दिल दिया ना, वो लड़की तेरे दिल को झींगा मच्छी की तरह सुखाएगी, पापड़ की तरह तल के खा जाएगी, और एंड में मिलेगा पप्पू, तू भी मेरी तरह फटीचर बन जाएगा। ये किस ब्यूटी पार्लर से आ रहा है? मैं एक राज का कवर फाड़ने गया था, तो उसी वजह से मेरी हालत चिरकुट की तरह फटे हाल हो गई। पर राज से पर्दा हट गया। उन तीनों भाइयों की शादी तभी होगी जब राधिका तेरी दुल्हन बनेगी। इस गांव का यही रिवाज है, पहले बहन के हाथ पीले होते हैं, उसी के बाद भाई की शादी होती है। और इसकी वजह? बहुत समय पहले की बात है कुकड़ों को, पंचायत में एक अजीब सी समस्या आन पड़ी थी। राजेश नाम का एक आदमी था, उसकी एक छोटी बहन थी जो उससे उम्र में बहुत ही छोटी थी। राजेश के पिता मरने से पहले अपनी सारी जायदाद राजेश के नाम कर गए थे। राजेश ने शादी कर ली और फिर उसको एक बेटा भी हो गया। और राजेश की बीवी बहुत ही शातिर थी, ना तो उसने उसकी बहन की शादी होने दी और ना ही उसको जायदाद में से फूटी कौड़ी दी और अत्याचार अलग से किए। ये औरत इस लड़की पे दिन रात अत्याचार करती है बलराम जी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। ये सब देख के मुझसे रहा नहीं गया, इसीलिए मैं इसे इंसाफ दिलाने आपके पास लेके आई हूँ। बलराम जी आप इंसाफ कीजिए। इस गांव में आज के बाद कोई भी लड़का अपनी बहन की शादी से पहले अपनी शादी हरगिज नहीं कर सकता। ये मेरा फैसला है, और अगर किसी ने भी ये फैसला नहीं माना और बहन से पहले शादी कर ली तो उसे इस गांव से निकाल दिया जाएगा। बलराम नायडू जी की जय। बलराम नायडू जी की। बलराम जी, ये न्याय नहीं अन्याय है। आपकी भी एक बेटी है ना, शांति शांत हो जाओ। शादी से पहले बेटों की शादी नहीं करवाएंगे? नहीं करवाऊंगा। अगर मेरे किसी बेटे ने ऐसा कुछ किया तो उसे भी यही सजा मिलेगी, ये मेरा वादा है। और उसी फैसले के बाद आज तक तीनों भाइयों ने शादी नहीं की है कुकड़ों को। सबसे पहले राधिका की शादी करेंगे, उसी के बाद अपना मंडप सजा सकते हैं। हाँ, ये तो मैंने मुर्गी का सिर्फ एक पंख बताया है, अभी पूरी मुर्गी बाकी है। वहाँ मुर्गा बांग दे रहा है। ये मेरी जान का टुकड़ा है, मैंने इसे अपने बच्चे से बढ़कर प्यार किया है। मैं इसकी बलि नहीं दे सकती, इसलिए मैं अपनी हार मानती हूँ। मैं अपने मुर्गे को नहीं भेजूंगी, मुझे माफ कर दीजिए। इस बार मैं इस दंगल का विजेता आपका घोषित करती हूँ। बलराम नायडू जिंदाबाद। 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 रुक जाओ, बिना लड़वाए जीत का सहरा बांधते तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। अगर हिम्मत है तो मेरे इस मर्द मुर्गे से लड़कर दिखाओ। ये मुकाबला सिर्फ हमारे गांव वालों के लिए है, दूसरे गांव वालों के लिए इसमें कोई जगह नहीं। जाओ यहाँ से। देखो इस डरपोक को हारने के डर से कैसे बहाने बना रहा है। क्यों भाइयो? जबान संभाल कर बात कर, वरना यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। मुर्गे तो छोड़, पहले मैं तेरा टेटुआ दबा दूंगा। बड़ी बड़ी बातें मत करो, अगर दम है तो मुकाबला करो। टकराने का नतीजा, ये तुम्हारी नहीं पूरे गांव की हार है। बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ना, अब क्या हुआ? जिसका मुर्गा लड़ाई में हार जाता है उसकी हमारे गांव में क्या सजा है जानते हो? उसे जीतने वालों के पैरों पर नाक रगड़नी पड़ती है। चले नायडू, आजा, आकर मेरे पैरों पर अपनी नाक रगड़ और मेरे तलवे चाट। आजा। अरे सोच क्या रहा है? रुक जाओ। हार हो या जीत, ये हमारे गांव का मामला है। दूसरों को हमारे मामले में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं। ये रहा मेरा मुर्गा, छोड़ो अपने मुर्गे को। हाँ छोड़ो।
जगदम्बा जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। आज गांव की इज्जत के लिए तुमने आपसी झगड़े तक को भुला दिया। यह एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। पहले ही हम दोनों के झगड़ों की वजह से कई लोगों की जानें चली गई हैं। अगर बुरा न माने तो मैं अपने भतीजे राज का रिश्ता आपकी बेटी राधिका से जोड़ना चाहती हूँ। देखिए ना, सभी गांव वाले यही चाहते हैं। मेरे मन में कोई नहीं है पिताजी, आप जिसे भी पसंद करेंगे वही मेरी पसंद होगी। ठीक है। पहले भी एक बार वादा करके मुकर गए थे, इस बार तो ऐसा नहीं होगा ना? ना ही हमने तब वादा तोड़ा था, ना ही अब तोड़ेंगे। राज का रिश्ता मैं राधिका के लिए स्वीकार करता हूँ, गांव वाले भी यही चाहते हैं। वादे से मुकरूंगा नहीं। आखिर हो क्या गया है तुम्हें? जिस घर को बर्बाद करना है उस घर से रिश्ता जोड़ने जा रही हो तुम? जिस घर से अर्थी उठवानी चाहिए उस घर से डोली उठवा रही हो? आपका दिमाग तो नहीं खराब हुआ है? मैं उन कमीनों का सर काटने का सपना देख रहा हूँ और तुम उन्हें मौत देने की जगह जीवन दान दे रही हो। जगदम्बा कभी गलत फैसला नहीं करती और ना ही दुश्मनी भूलती है। उस बदनसीब की वजह से पिताजी की जान चली गई। वो दर्द मेरे दिल में आज भी जिंदा है। ये एक ऐसी आग है जो तब तक नहीं बुझेगी जब तक मैं उन लोगों से अपने पिताजी की मौत का बदला ना ले लूं। ये आग मेरे सीने में ज्वालामुखी की तरह धधक रही है। अब लावा बहेगा और इस लावे में दुश्मनों की दुनिया जल के राख हो जाएगी। अगर तुम सचमुच बदला ही लेना चाहती हो तो फिर ये रिश्ता क्यों जोड़ा? उस वक्त मुझे मौका नहीं मिल पाया, लेकिन आज मौका है और मैं ये मौका हाथ से जाने नहीं दूंगी। पूरे गांव के सामने हमारा राज राधिका से शादी करेगा और मेहंदी सूखने से पहले ही वो यहाँ से गायब हो जाएगा और फिर उसकी सारी उम्र पति के इंतजार में बीत जाएगी। सुहागन होते हुए भी वो विधवा की जिंदगी जीने को मजबूर हो जाएगी। उसे इस हालत में देखकर उसके तीनों भाई ना ही शादी करेंगे और ना ही अपना घर बसाएंगे। और जब किसी की शादी नहीं होगी तो उनका वंश आगे कैसे बढ़ेगा? बिना कुछ किए ही हम जीत जाएंगे और इस तरह मेरा बदला पूरा हो जाएगा। इसका मतलब हम उन्हें छोड़ देंगे? बेवकूफ, फूल सिर्फ तोड़ने से ही नहीं मुरझाता, बिन तोड़े भी मुरझा जाता है। भगवान, मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, फिर जो कुछ मुझे दिया है वो मुझसे छीन क्यों रहे हो? भगवान, मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया, हमेशा दो बिछड़े दिलों को जोड़ने की कोशिश की, पर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? कहते हैं दो दिलों को मिलाने के लिए 100 झूठ माफ होते हैं। मैंने तो सिर्फ 15-20 ही बोले होंगे, वो भी अपनी बहनों का घर बसाने के लिए। फिर भी अगर मैं गलत हूँ तो मैं भुगतने को तैयार हूँ। मैं अकेलेपन के साथी को दाव पे लगा के पश्चाताप करना चाहता हूँ। आज के बाद मैं सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। अर्जुन, श्रीकांत और चंदू की शादी कराऊंगा। मेरी बहनों का घर उन तीनों के साथ बसा दे भगवान। मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ क्यों आए थे और जो कुछ भी तुमने मांगा है वो तुम्हें जरूर मिलेगा। तुम मेरे भाइयों का घर बसाना चाहते हो ना? मैं तुम्हारी मदद करूँगी। मैंने तुम्हें दोस्त कहा है तो दोस्ती का पूरा फर्ज निभाऊंगी। आज से मैं तुम्हारी टीम में हूँ कृष्णा। अरे वो पुलाव! चलिए चलिए मेरे साथ, भगवान के प्रसाद को झूठा किया, चलिए माफी मांगिए।
अरे ऊपर वाले का फर्ज है पेट भरना। मेरी भूख नहीं मिटी, मैं अभी आया। कहाँ जा रहे हैं? पहले भगवान से माफी मांगिए। अरे जब मैं भगवान को मानता ही नहीं तो माफी कैसी? को चबाएगा तुझे कच्चा निकल जाएगा। मान लीजिए ना भगवान होते हैं। अरे मुझे नहीं मानना। ये क्या माफी मांगेगा? भगवान माफ कर दीजिए, उनकी गलती के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अरे दिखाई दे गई मुझे, माँ की शक्ति दिख गई, कण कण में है भगवान। भगवान जय भगवान। पागल हो गई हो तुम, अपना हाथ जला रही हो। आज की सभा यहीं समाप्त होती है। अगला प्रोग्राम ब्रेक के बाद, तो भूत चैनल देखते रहिए और अपने आप को बचाइए। देखो आज के बाद ऐसा मत करना। आपको मेरी कोई परवाह नहीं है। जब पहली बार मैंने चांसा मुखड़ा देखा, इसे अपना बनाने की ठान ली थी मैंने। मेरा दिल रखने के लिए आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं, मैं सब जानती हूँ। सॉरी। अगर आप ये सब करके अपने आप को तकलीफ पहुंचाएंगी तो याद रखिए कि आपके साथ साथ दर्द मुझे भी होगा। तो मैंने मान लिया कि भगवान है, अब मुझे उनका प्रसाद तो खाने को मिलेगा ना। अगर नहीं मिला तो नहीं है। अरे है, 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 भगवान है भाई, है बिल्कुल है। ये भी कोई पूछने है बताने वाली बात है। अगर नाला पार नहीं कर पाया तो मुंह काला करवा लूंगा। चल बेटा शुरू हो जा। 1 2 3। इसकी तरह तो पार नहीं कर सकता मैं, सड़क कहीं पार करना पड़ेगा। कहीं सरकते सरकते पैंट फट जाए। अगर इसने मुझे इस हालत में देख लिया तो मिट्टी ही पलित हो जाएगी। चल रिवर्स गियर। कोई मेरी मदद करने वाला है? है तो सही, लेकिन आएगा नहीं। तू है तुझ पे, आफ्टर ऑल एक लड़की को सेव नहीं कर पाया। कहने के लिए मर्द है, मूछे है, शर्ट पहना है, पैंट पहना है, इतनी मोटी तोंद है, जाके डूब मर। मैं डूब मरूंगा तो शादी कौन करेगा? अब मैं लड़की को फिसलाऊंगा और फिर मैं ही उसको बचाऊंगा। वो उसे बचाने आ रहा है। अच्छा। इतनी जल्दी गुड न्यूज? लगता है भगवान ने मेरी सुन ली, अब मैं हीरो बन जाऊंगा। एक मिनट, क्या करूं? हाँ, ये लाल कपड़ा, अभी पकड़ना, अभी पकड़ना, ठीक से पकड़ना। अरे पकड़ो ना इसको, हम मेरी तरह बहादुर बनो। La 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 la
लगाएंगे अपना निशाना लगाएंगे। एक आदमी के कितने पैसे लेते हो? वैसे एक आदमी का तो 40 है, पर ज्यादा दोगे तो मना नहीं करेंगे। 40 रुपए, मैं तुम्हें 200 के दो नोट दूंगा, बस तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। हेल्प के लिए ही पैदा हुआ हूँ। एक इंसान की जबरदस्त जलानी है, उसके लिए तो मेरे मटकते नैन ही काफी। इसी की पिपड़ी बजा सकते हो क्या? तुम्हारी बजा के दिखाओ क्या? नहीं, इस शेर को उसका शिकार तो दिखाओ। वो देखो मुछड़, ये कहाँ फंसा दिया? अरे ये शेर डायनासोर का शिकार नहीं करता है भाई। अरे वो डायनासोर की शक्ल में छिप कर लिया, तू बिंदास बोलना। ये ले पैसा। ठीक है ठीक है। अरे आइए आइए, अगर आप मर्द हैं तो इन गुब्बारों को फोड़ के दिखाइए और बदले में इनाम पाइए। बलून पे निशाना लगाइए ना। अरे ये क्या, ये तो बच्चों का खेल है, तुम बच्ची थोड़ी हो, चलो चलते हैं। अरे जिनकी औकात नहीं होती ना, वो ऐसे ही बहाना बना के निकल जाते हैं ताकि उनकी पोल ना खुल जाए। हल्लाए की तरह घूरने से कुछ नहीं होगा, डर लग रहा है तो जाके चूड़िया पहन लो। खलनायक बनने से क्या होगा, निशानेबाज बनो बेटी इंदु। तुम तो शूटर नंबर 1 हो ना, जाकर गोली मारो। अभी वो क्यों करना है? क्योंकि ये मेरा हुक्म है। आइए आइए बहन जी, चलो वही तो दमदार निकला इनमें से। बहुत बढ़िया राधिका, तुम लोग आगे चलो, मैं बस थोड़ी देर में। ठीक है भैया, चलो। आज तो लॉटरी लग गई, कम मेहनत में ज्यादा पैसे कमाए आज मैंने तो। वाह, अरे अरे मालिक, मैंने कुछ नहीं किया। अरे कोई डायनासोर से बचाओ। आप जानती नहीं है, मेरा निशाना अच्छा है। वो तो मैं बच्चों के सामने बच्चा नहीं बनना चाहता, हाँ अगर अकेले हो तो बन जाता हूँ। भैया फाइनली आपने निशाना लगा ही लिया। क्षमा कर रहे हैं भैया। रुको, तुम जो सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ निशाना लगा रहा था, इस लड़की को नहीं जानता। और इसका नाम इंदु है, ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं जानता। कैसा है बकरा? कैसी हो बुआ? मेरे सारे सपने तुझे ही पूरे करने हैं और मुझे तुझ पे पूरा फिक्र मत करो बुआ, तुम जैसा चाहती हो बिल्कुल वैसा ही होगा। उस बलराम की बेटी को ऐसा प्यार दूंगा कि सोते जागते हर सपने में मैं नजर आऊंगा, आप चिंता मत करो। शाबाश, आज तूने साबित कर दिया कि तू हमारा ही खून है, जीते रहे। मंगने के लिए तैयार हो जा। मिट्टू आ जाओ। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। सारे झगड़े भुलाकर हम दोनों परिवार ऐसे खुशी खुशी मिल रहे हैं जी, ये बहुत ही शुभ घड़ी है। मुझे तो इस दिन का कब से इंतजार था। हम अपनी पुरानी दुश्मनी भुलाकर आज एक नए रिश्ते में बनने जा रहे हैं, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। विवाह का मुहूर्त निकलवाते हैं। आने वाली विजयादशमी को बहुत ही शुभ मुहूर्त है, मेरे विचार से विवाह हेतु ये तिथि अति उत्तम है। कृष्णा किधर जा रहा है? अरे अभी मंगनी हुई है, शादी तो नहीं हुई है ना, तू कायरों की तरह मैदान छोड़ के जा रहा है। पहली बार किसी को चाहा था, किस्मत ने उसे भी मुझसे छीन लिया है। वैसे भी राधिका मेरे प्यार को नहीं समझी, मैं अपने सामने उसकी शादी होते नहीं देख सकता। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अकेला जाएगा क्या?
बचपन से लेकर आज तक जितनी भी मुसीबत आई है हमने साथ में ही झेला। जाते जाते बस एक बात मेरी मान ले भाई, राधिका से बात कर ले, फिर चले जाएंगे। प्यार के पोपट ये कर क्या रहे हैं? मंदिर में दिया था, उसने संभाल के रखा जब मुझसे प्यार करती है। अरे कृष्णा, चिल्लाओ मत, मंदिर है। क्या कर रहे हो तुम? मुझसे प्यार करती हो ना? नहीं तो ये मत भूलो तुम मंदिर में खड़ी हो, अगर मुझसे झूठ कहा तो अच्छा नहीं होगा। मैंने एक बार कहा ना मैं नहीं करती। राधिका मैं मानता हूँ प्यार का इजहार करने में मैंने बहुत देर कर दी, पर जिंदगी एक मौका देगी, दो बार देगी, पर बार बार नहीं, इसलिए मैं अब चुप नहीं रह सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ राधिका। पर मैं तुमसे प्यार नहीं करती। अपने एहसासों को दबाने से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा, तुम अंदर ही अंदर घुटती रहोगी राधिका। बस एक बार हिम्मत करके कह दो मुझसे। कृष्णा, सभी प्यार करने वालों को उनकी मंजिल मिल जाए ये जरूरी तो नहीं है ना? और वैसे भी मैं अपने घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकती। बेहतर होगा कि तुम मुझे भूल जाओ। मुझे भूल जाओ। तुम लड़की हमेशा रोना धोना करके अपनी बातें मनवाना चाहती हो। मुझे लगा था तुम मुझे नहीं चाहती, इसलिए मैंने अपने आप को रोक कर रखा था। तुम मुझसे प्यार करती हो? मैंने तुमसे एक बार कहा ना मैं प्यार नहीं करती। मैं तुम्हारे घर गया था, वो आईने पर सब कुछ देख चुका हूँ, और मैं वो सब तुम्हारे मुँह से सुनना चाहता हूँ। एक बार कह दो जिंदगी भर साथ नहीं छोड़ूंगा। अब इस तरह की बातें करने से कोई फायदा नहीं होगा कृष्णा। तो जो तुम कर रही हो क्या उससे फायदा होगा? दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तुम होश नहीं रह पाओगी। मैं अपने दिल को मना लूंगी। ये कोई खेल नहीं है, किस्मत तुम्हें सच्चे प्यार का तोहफा दे रही है और तुम उसे ठुकरा रही हो। भगवान भी तुम्हें माफ नहीं करेंगे। राधिका, अगर शरीर में कहीं जख्म हो जाए तो उसे ठीक करने के लिए दुनिया में बहुत सारे इलाज हैं, लेकिन प्यार के गहरे घाव को भरने के लिए सिर्फ प्यार की जरूरत होती है, उसे और कुछ ठीक नहीं कर सकता। समझी पगली राधिका? और मैं हार जाऊंगी। वो कौन है दीदी, बताओ मुझे, तुम्हारे आंसुओं की कसम एक एक को काट डालूंगा। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि राधिका के मन में किसी और लड़के के लिए प्यार होगा, उसका ये प्यार मुझे हरा देगा। दीदी कहना क्या चाहती हो? वो किसी और को चाहती है। बलराम की वजह से पहले भी मैं एक बार हार चुकी हूँ, लेकिन अब मैं उसे जीतने नहीं दूंगी। राधिका कृष्णा से प्यार करती है। मैंने खुद अपनी आंखों से उन दोनों को एक साथ देखा है। एक दूसरे के दिलों में नफरत भरना बहुत आसान है, लेकिन
तो प्यार करने वालों को जुदा करना बहुत ही मुश्किल है। सुनो, इससे पहले कि चिंगारी शोला बने उसे बुझा दो। राधिका को कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन उस लड़के को जिंदा नहीं छोड़ना। जाओ जल्दी। रुको रुको रुको, तुम लोग मत जाओ, तुम लोग नहीं मत जाओ। अगर उन लोगों ने देख लिया तो हमारा प्लान चौपट हो जाएगा। भैया। हाँ बोलो बहना। तुम अपने आदमियों को भेजो और उनसे कहो कि वो उसके टुकड़े टुकड़े कर दे। सही है ना? हाँ। वैसे भी उस लड़के के आगे पीछे कोई नहीं है, उसके रहने या ना रहने से किसको फर्क पड़ता है। मरवा दो उसे, खत्म कर दो। उसे इधर भेज। तू भड़क जाएगा, थोड़ा आराम से। भाई साहब, उस लड़के को इधर भेजिए ना, ताकि तू इसे मार डाले। ए, अपनी बकवास बंद कर, उसे इधर भेज। ए, आवाज नीची कर गीदड़, ऊंची आवाज में सिर्फ शेर दहाड़ता है। तू रहने दे। भाई साहब, हम दूसरे गांव से हैं, इसने वहां की लड़की को छेड़ा है। ए, अगर एक झूठ से किसी इंसान की जान बचती है तो ठीक है, लेकिन झूठ से किसी की जान जाती हो तो मुझे मंजूर नहीं। ए, बहुत बोल रहा है, भेजना उसे। ए, इसको हाथ लगाने से पहले तुम सबको मुझसे भिड़ना होगा, और इतना तो तय है कि मुझसे भिड़ने पर तुम कट कट के मरोगे। चला जा। स्वागत है तुम्हारा अर्जुन नायडू। बरसों पुरानी दुश्मनी के बाद आज पहली बार तुम मेरे घर आए हो। आओ आओ ना, अंदर आओ, आराम से बैठकर बात करते हैं। हाँ हाँ, आओ अंदर आओ। सुन ले जगदम्बा, हम जो सोचते हैं वो हमेशा नहीं होता, और जो नहीं सोचते वो कभी कभी हो जाता है। हाँ?
ये गांव इतना बड़ा नहीं है जगदम्बा, जो तेरे काले कारनामे छिप जाए। दो बार तू मुझसे बच चुकी है, पर अब नहीं बच सकती। आज मैं अपने महादेव की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मेरे रहते तेरी कोई भी चाल कामयाब नहीं होगी। धिक्कार है मुझे अगर कोई भी आकर ऐसे निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दे। आखिर तू चाहती क्या है बता? मुँह खोल जगदम्बा, जल्दी। अगर इस लड़के का राज मैंने तुम्हारे सामने खोल दिया तो तुम्हारे पैरों तले जमीन खसक जाएगी। क्या दोष है इसका? हमारी होने वाली बहू राधिका के साथ ये कमीना खेतों में रंगरलिया मना रहा था। मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है। ये बात गांव वालों को पता चलती तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाती। क्या ये बात सच है कृष्णा? ये जो कह रही है वो पूरा सच नहीं है, उसमें झूठ भी है। ए! तो सच बताओ। ये सच है, मैं आपकी बहन से छुप छुप के मिलता हूँ क्योंकि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। और झूठ क्या है? मैं आपकी बहन को छेड़ नहीं रहा था। आपकी बहन मुझे बहुत चाहती है, पर शायद इन लोगों से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। अगर इसकी बात में सच्चाई है तो सजा तुम्हें मिलेगी, और अगर वो झूठ है तो ये नहीं बचेगा। चलो कहना उसे रुको, अगर वो बाहर गया तो अपने बाप को बता देगा। जाने दो, वो नहीं बताएगा, और बता भी दिया तो उसके बाप ने जो वादा किया है उसके लिए उसे झुकना ही पड़ेगा। अब ना अर्जुन अपने बाप के खिलाफ जा सकता है, ना बहन के प्यार को बचा सकता है। अर्जुन के आगे कुआ है और पीछे खाई। कृष्णा, ये क्या हालत बना रखी है? क्या हुआ? पीछे पड़ गए थे तो ये चोट कैसे लगी? कृष्णा, भैया ने मुझे बचा लिया। आप सबके डर की वजह से हमने ये बात आप लोगों से छुपा के रखी थी, हमें माफ कर दीजिए भैया। कुछ गड़बड़ है। राधिका किसी और से प्यार करती है ये जानने के बाद वो रिश्ता तोड़ सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि कृष्णा को मरवाने की कोशिश की। मतलब जगदम्बा के दिमाग में कोई ना कोई खिचड़ी जरूर पक रही है। इससे पहले कि उस शातिर औरत की चाल कामयाब हो जाए, हमें उस राज से पर्दा उठाना पड़ेगा। चलो चलकर देखते हैं। मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मैंने जगदम्बा जी के कहने पर किया है। वो आपसे बदला लेना चाहती है। वो चाहती है कि आपकी बहन की शादी राज से हो जाए, और शादी के बाद राज उसे छोड़कर हमेशा के लिए अमेरिका चला जाए। छोटे, हाँ भैया। जगदम्बा मालकिन, आपकी वाट लगे मालकिन। अर्जुन नायडू को आपकी चाल के बारे में पता चल गया। अपना बोरिया बिस्तर बांध के निकल लो, वो कमीना आता ही होगा। आने दो, आ जाने दो, वो यहाँ से जिंदा बच के नहीं जा पाएगा। उसके इतने टुकड़े करना कि फरिश्ते भी पहचान ना पाए, और उन टुकड़ों को उसके बुढ़े बाप को भेंट कर देना। जाओ, तुम सब अपने हथियारों को धार देना शुरू कर दो। बदला लेने का दिन आ चुका है। मेरे सीने की आग बुझने वाली है, उसकी रूह को उसके जिस्म से अलग कर देना। उसे घेरने की तैयारी करो। Oh!
कब तक बुजदिलों की तरह पीठ पर वार करोगे? नाथ चरामी रुक जा, चिल्ला मत। चिल्लाना मुझे भी आता है। गीदड़ के चीखने से कभी शेर नहीं डरा करते जगदम्बा, लेकिन शेर की तहार से तुम जैसे गीदड़ जरूर भाग जाते हैं, ये कभी भूलना मत। ये शेर जब अपनी दहाड़ मारेगा तो तेरे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मत भूल, राधिका की रात से शादी होने वाली है। लेकिन मेरी बहन पहले ही किसी और की हो चुकी थी। तो तू अपने बाप का वादा तोड़ देगा? तो तू क्या चाहती है कि मैं अपनी प्यारी बहन को नरक में ढकेल दूं? अर्जुन नायडू, आवाज नीची करो जगदम्बा। हम एक ही बार समझाते हैं, दूसरी बार में हम मिटा देते हैं। किसे मिटाएगा तू? इस वक्त तू मेरी छत के नीचे खड़ा है, काट के यही गाड़ दूंगी। अपने वादे को पूरा ना करना यही तुम्हारी औकात है। बहुत हुआ, चिल्ला मत, बहुत बोल चुकी। अरे हमारे वंश के बारे में बोलने की तेरी औकात ही क्या है? ये हमारा वंश ही है जिसकी वजह से तू आज सही सलामत खड़ी है, वरना तेरी जगह तेरी फोटो होती और उसके ऊपर चंदन की माला लटकी होती। और अब इन दोनों को तू तो क्या जगदम्बा, मौत भी अलग नहीं कर सकती। ओ, तो क्या तेरा बाप मान जाएगा? सब कुछ जानने के बाद पिताजी राधिका को आग में नहीं ढकेलेंगे। मतलब तुम अपने बाप को सब कुछ सच सच बता दोगे? तुम मेरे तलवे चाटोगी तो भी बता। जगदम्बा मरना पसंद करेगी, लेकिन किसी अरे गेरे के सामने झुकेगी नहीं। यहाँ जो कुछ भी हुआ ना वो मैं तुम्हारे बाप सिखाऊंगी ना तुम कहना। क्या हुआ जगदम्बा, हवा निकल गई? छी 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 छी, क्या तूने मुझे कायर समझ रखा है जो मैं चुप बैठूंगी? उसी मुहूर्त पर उन दोनों की शादी नहीं करवाई तो मेरा नाम जगदम्बा नहीं। अपने भतीजे की शादी के सपने देखना बंद कर। तू मेरी बहन की शादी तो कृष्णा से ही होगी। तेरे बाप ने पूरे गांव के सामने मुझसे वादा किया है, अगर तूने उस वादे के खिलाफ जाकर इन दोनों की शादी करवाई तो इस गांव से बहिष्कार करवा दूंगी तेरा। जगदम्बा, जिन गांव वालों के सामने तुमने छल से मेरे पिताजी से वादा करवा लिया है, उन्हीं गांव वालों के सामने तेरा काला चिट्ठा तेरे मुंह से ही ना उगलवाया तो मेरा नाम अर्जुन नायडू नहीं। हाँ, वो भी चुनौती मंजूर है। छे 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 छे, बुजदिलों की चुनौती लेना मेरी मर्यादा के खिलाफ है। शिव शंभू जानते हैं मेरी लड़ाई सच्चाई के लिए है और तेरी लड़ाई झूठ और कपट के लिए, और इस धर्म युद्ध में तू ही हारेगी। अर्जुन नायडू, औरत से बगावत करना अच्छा नहीं होता। तू और औरत? अरे किसी औरत ने सुन लिया तो शर्म के मारे मर जाएगी। ए, जबान संभाल के बात कर। अब विनाश के लिए तैयार हो जा। बंद कर बकवास, जीत कर दिखा, मैं भी देखती हूँ तुझमें कितना दम है। जो खुद शीशे के घर में रहते हैं वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंकते। टूट कर बिखर जाओगी। पाप का भरा हुआ घड़ा एक दिन फूटता ही है। ठीक है, डिसाइड करते। हाँ ठीक है। दीदी आपकी बारी।
बड़ी बड़ी रौबदार मूछें, हाथी जैसी चाल। पहले मैं समझी ये गूंगा था, पर बाद में पता चला कि वो खाता भी है और बोलता भी है। अरे अब इसकी क्या जरूरत, तुम्हें तो बची। नहीं, वो किसी से डरता, हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा। छोटे, शादी में जिन मेहमानों को बुलाना है उनकी लिस्ट बना रहा हूँ, अगर तुम्हें किसी दोस्त को बुलाना है तो बता दो मुझे। बहुत अच्छी है, पर रंगोली वहाँ नहीं निकालते। और कौन रह गया? गलत एड्रेस पे चला गया यार। नहीं जेम्स, मेरा प्यार सच्चा है, वो कागज अपनी असली मंजिल तक जरूर पहुँचेगा, देख लेना। जैसे रंगोली से आंगन सजा रही हो, वैसे ही रंगोली से खुद को भी सजाओ, तो मैं तुम्हें एक इनाम दूंगा। छोटे, किसी दोस्त का नाम याद आते ठीक है, लिख लेना, मैं बस अभी आया। दिखते नहीं, पर ये भी कुछ कम नहीं है। इसे क्या हुआ, अचानक मुझे देखकर शर्मा रही है? भैया, एक नाम याद आया, जरा देना। मैंने तो इन्हें राम समझा था, लेकिन ये तो कृष्ण निकले। कृष्ण कृष्णा। Yes! हाँ, था ना, मेरा प्यार सच्चा है। तुम यहाँ और इस वक्त? आपने पहली बार कुछ मांगा था, देख लीजिए। लोगी क्या हमारी? आप ही ने तो कहा था जिस रंगोली से मैं जमीन सजा रही हूँ, क्यों ना वो अपने ऊपर बना लूं? इनाम नहीं देंगे क्या? क्या कहा, इनाम? राधिका, राधिका, यहाँ पर इतना अंधेरा क्यों है? इन तीनों भाइयों ने बिजली का बिल नहीं भरा क्या? सिर्फ अपनी लाइट गई है कि सबकी लाइट गई है? देखूं तो। बिल्कुल खूबसूरत परी जैसी लग रही हो।
अपनी आंखें बंद करो। चले जाओ, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। अपनी मर्जी का मालिक अर्जुन नायडू खुद है। इतना घमंड करने की जरूरत नहीं। देखो मैं कितनी ऊंचाई पर खड़ी हूँ और तुम कितने नीचे खड़े हो। ज्यादा ऊंचा उड़ना ठीक नहीं है। अगर नीचे गिर गई तो परखच्चे उड़ जाएंगे, हड्डियाँ भी नहीं मिलेंगी, क्योंकि मेरे सामने उड़ने वाले अक्सर नीचे गिर ही जाया करते हैं। जगदम्बा, तुमने उस दिन क्या कहा था? मैं अपने पे आ गया तो तुम्हारे पैरों तले जमीन खसक जाएगी। अरे आज मैं तुम्हें जो दिखाऊंगी ना, उसे देखते ही तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। जरा इस फोटो पर नजर तो डालो। सुनो, मैं तुम्हें चेतावनी देने आई हूँ। मेरे बारे में जो राज तुम्हें पता है उसे अपने अंदर दफन कर दो, वरना ये सच दुनिया के सामने आ जाएगा। अर्जुन नायडू, कल तक तुम्हारा वक्त था और आज से मेरा वक्त शुरू। 2 दिन बाद राधिका और राज की शादी है। अच्छे बराती बन के आ जाना, जो मैं कहूँ वही करना, वरना गांव वालों के सामने ये फोटो। समझ रहे हो ना? ये सब क्या है? इस वक्त भी आप शांत रहेंगे तो कैसे चलेगा? और उनके प्यार का क्या होगा भैया? आप कुछ कीजिए भैया। आपके अलावा उनकी मदद कौन करेगा भैया? जब शादी हो जाएगी तब बोलेंगे क्या? भाई भोजन तो बड़ा ही स्वादिष्ट था। अब ऐसे ही खड़ी रहोगी या पानी खिलाओगी? अरे हमेशा आप ही खिलाती हैं, आज हमें खिलाने दीजिए ना। लीजिए, अपने हाथों से बनाया है। सगाई इतनी अच्छी है तो शादी में तो 4 चांद लग जाएंगे। हाँ, मेरे इकलौते भतीजे की शादी है ना, इसीलिए बड़े लाड प्यार से पाला है। जानते हैं बेचारे की शादी में कई लोगों ने विघ्न डालने की कोशिश की। आप सबका स्वागत है। पोकट में शो देखने आए लोगो को मेरा प्यार भरा नमस्कार और छोटो को मेरा प्यार। आज इन पंछियों के जरिए हम आप तक पहुंचाएंगे ढेर सारी प्रेम कहानियाँ। तो आराम से बैठिए और मिट्ठू की मीठी मीठी कहानियों में खो जाइए।
क्या हूँ। बलराम नायडू जी, मेरी मदद कीजिए, मेरा इंसाफ कीजिए। क्या कर रही है? उठो उठो। देखो बेटी, पहले ये रोना बंद करो और बताओ कि परेशानी क्या है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। किसी से घबरा रही हो तो घबराना छोड़ो और बेझिझक हमसे कहो। गलती आपके बेटे ने की होगी तब भी। जगदम्बा, इस बात को सुनकर तो मैं भी चौंक गई थी, लेकिन जब इस लड़की ने मुझे बताया तो मैं बहुत दुखी हुई। ये आपके पास आने से डर रही थी, इसे लगा अगर ये आपके घर गई तो सच सामने आने के डर से कोई इसे मार देगा। तुम घबराओ मत बेटी, इंसाफ जरूर होगा। इनका बेटा हो या कोई और, ये इंसाफ जरूर करेंगे, तुम देख लेना। ये जो कह रही है सच है? मैं कलेक्टर ऑफिस में काम करती थी। गांव के काम के सिलसिले में अर्जुन नायडू अक्सर वहाँ आया करते थे। हमारे बीच दोस्ती हुई और मैं उन्हें चाहने लगी, पर जब दोबारा वो शहर आए तो उन्होंने मुझे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। मुझे इस बात से बहुत तकलीफ हुई कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया। इस गांव में सबसे बड़ी आप ही हैं। मेरा इंसाफ कीजिए, मुझे न्याय दिलवाइए। तुम्हारा और अर्जुन नायडू का रिश्ता है, ये मैं कैसे मान लूं? हर कोई यही सवाल करता है। हमारे रिश्ते का सबूत है ये कड़ा जो उन्होंने मुझे दिया था। मैं कैसे मान लूं कि ये उन्हीं का है? आप खुद देख लीजिए। ये कड़ा अर्जुन नायडू का है? अर्जुन, ये लड़की जो कह रही है वो सच है? अगर ये सच नहीं है तो इस लड़की को झूठी कहानी बना के क्या मिलने वाला है? मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ, आपने ऐसा कुछ नहीं किया होगा। कह दीजिए ये झूठ बोल रहे हैं। भैया कह दीजिए कि ये सब झूठ है। ऐसे कैसे कहेगा, जीता जागता सबूत जो खड़ा है इसके सामने। काका, दिखने में भोला भाला है लेकिन दिल पूरा काला है। पुजारी जी, बहन के पहले अगर कोई भाई शादी करता है या फिर बाहर किसी के साथ संबंध रखता है तो गांव वाले उसका बहिष्कार कर देते हैं ना? हाँ, मुझे याद आ रहा है ये नियम बलराम जी ने ही बनाया था, है ना? आपने सही कहा, ये नियम उन्हीं का बनाया है। बस बस कीजिए, हाथ जोड़ता हूँ। आप लोग जो कह रहे हैं उसे मैं कैसे मान लूं? क्या मैं अपने बेटे को हमेशा के लिए? मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। अब क्या बाकी है? सब कुछ तो बता दिया ना तुमने, अब कुछ मत बोलो। रोकिए मत, अपने मन की बात कहने दीजिए। मेरे प्यार के बारे में पता चलने के बाद बहुत दिनों से मैं उनसे बदला लेने की सोच रही थी, आखिर आज ये मौका मुझे मिल ही गया। जिस दिन पिताजी गुजर गए उसी दिन उसका सर काट देना चाहिए था। तुम फिक्र मत करो भाई, वो दिन बहुत जल्द आने वाला है। उन तीनों को बीच चौराहे पर दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। ये बात सुनकर गांव वाले उन पर थूकेंगे और हम सबकी जीत होगी। बलराम जी, ये शादी सिर्फ आपसे बदला लेने के लिए की जा रही है। जगदम्बा, अगर हम एक कदम पीछे लेते हैं तो उसके बदले 100 कदम आगे भी बढ़ाते हैं। तू मुझे गिराना चाहती थी ना, अब खुद देख ले कितनी नीचे गिर गई है तू। ये नाटक मैंने ही रचा था तेरा चक्रव्यूह तोड़ने के लिए। कुंती मेरे दोस्त की पत्नी है, सत्या। ये यहाँ पिताजी, आपको याद है उस दिन मुर्गे की लड़ाई में जो आदमी आपको ललकार रहा था उसे किसी और ने नहीं जगदम्बा ने भेजा था, और उसी दिन मुझे ये पता चला कि ये हमारे खानदान के खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। जिनकी मदद से ये खेल खेल रही थी उन्हीं के सामने मुझे इसकी असलियत सामने लाकर इसे बेनकाब करना था पिताजी, और कुछ नहीं था। फिर भी आपको लगता है कि मैं गुनहगार हूँ तो मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। ए अर्जुन नायडू, तुझे क्या लगता है गांव वालों के सामने हमारी बेइज्जती करके थूथू करके तू ये जंग जीत जाएगा? सुन ले, मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है, अपना हक छीनना मैं जानती हूँ। सुन ले, इस बारात में तेरे आदमी नहीं मेरे आदमी है। जी, मैं हमेशा एक अच्छी इंसान बनना चाहती हूँ लेकिन आप लोगों की बनने ही नहीं देते। अर्जुन नायडू, अगर ये जंग मैं नहीं जीतूंगी तो कोई भी नहीं जीतेगा। जगदम्बा हार नहीं सकती।
आपने मेरे मेरे प्यार को ठुकराया था ना, सबके सामने जलील किया था, अब देख कैसे तड़प रहा है। कुछ नहीं होगा पिताजी। सुन लो, अब ये कुछ ही पलों का मेहमान है क्योंकि इनके पान में जहर था। इन दोनों को इस तरह तड़पता देखकर मेरी आत्मा को सुकून मिल रहा है। पिताजी। सुनो अर्जुन नायडू, इसको बुलाओ। मुझे तुम्हारी ताकत भी पता है और कमजोरी भी। मैं तुम्हें दो मौके देती हूँ, या तो तुम अपने माँ बाप को बचा लो या फिर राधिका की शादी राज से करवा कर अपनी हार मान लो। फैसला तुम्हारा है। ए, तुम लोग ऐसे देख क्या रहे हो? अर्जुन नायडू कमजोर है, अब उस पर किसी भी तरह की दया नहीं दिखानी है। मार दो उसे, खत्म कर दो। को हॉस्पिटल लेकर जाओ, मैं देखता हूँ। जगदम्बा, याद रख, जब तक मेरे माँ और पिताजी जिंदा है तभी तक तेरी सांसें चलेंगी। भगवान न करे अगर उन्हें कुछ हो गया तो, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया की कोई भी ताकत तुझे मेरे कहर से नहीं बचा पाएगी। चलो आ जाओ। आ जा।
क्यों क्या हो गया जगदम्बा? अपने आदमियों पर बहुत घमंड था ना तुझे? उन सब को मैंने चुटकियों में मसल दिया। ये देख। रुक जा। सठी आ गई है क्या? अब तेरी मौत भी तेरे हाथों में नहीं है जगदम्बा, वो भी मेरे हाथों में है। अर्जुन नायडू। जगदम्बा नाम तो कल्याणकारी माँ का है, लेकिन काम सबके सब डायन वाले करती है। अभी भी वक्त है, एक अच्छा इंसान बनकर जी सकती है तू, वरना किए के पछतावे में तिल तिल मरती रहेगी। अब तुझे जीना है या मरना है ये फैसला भी तेरा है। अर्जुन मुझे मार दो, मुझे जिंदा नहीं रहना। अर्जुन मरे हुए को नहीं मारता। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धाश्वराः, स्वस्ति न भूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति न सुराक्षरो वरेण्यनेमिः, स्वस्ति बृहस्पतिर्दधातुः। ॐ शुभं भवतु, शुभं भवतु। ॐ स्वस्ति न इंद्रो वृद्धाश्वराः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्ताक्षरो वरिष्ठनेमिः, स्वस्ति बृहस्पतिर्दधातुः। ॐ शुभं भवतु, शुभं भवतु। मेरे नाजी।